झारखंड इस वक्त हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन पॉजिटिवली नहीं निगेटिवली। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी राज्यसभा में कहा, लोकसभा में नहीं कहा लेकिन राज्यसभा में कहा, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप नहीं, मैंने पहले ही कहा था, 3 दिन पहले मैंने कहा था कि एक स्ट्रे इंसिडेंट है, मगर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, इसकी निंदा की जानी चाहिए और जो भी लोग इसमें संलग्न हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए कि हम रूल ऑफ लॉ मानते हैं, कानून का पालन करते हैं। कोई हमारे घर में चोरी ही करने आया है, पकड़ा जाता है तो हम उसको पुलिस को सौंप दें कि आदमी हमारे यहाँ चोरी करने आया है, क्योंकि उस इलाके में चोरी की घटनाएँ बढ़ रही हैं, अनजान लोग जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चुरा ले रहे हैं, घर का ताला तोड़ कर चोरी कर ले रहे हैं। तो उसी आशंका में एक बंदा पकड़ा गया, मगर वो पकड़ा गया तो सजा देने का काम तो न्यायालय को है और आरोप गठित करने का काम पुलिस को है। अपने हाथ में कानून नहीं लिया जाना चाहिए, किसी सूरत में नहीं लिया जाना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको लगता है कानून व्यवस्था आपने भी कहा है कि चोरी कर रही है झारखंड में कहीं ना कहीं फेलियर है? नहीं, देखिए, फेलियर तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर अब हमारे नियम कानून बने हैं, CRPC बना है, IPC बना है, तो इसीलिए बना है, मान के कैसी घटनाएं होंगी, ये घटनाएं न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। मगर कहीं आ जाती हैं और इस तरह की लिंचिंग की घटना हो जाती है तो थोड़ा इसका प्रचार ज़्यादा हो जाता है, इससे केवल राज्य का ही नाम नहीं बदनाम होता है बल्कि बाहर की दुनिया में देश का नाम ही बदनाम होता है कि भारत में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आए हुए हैं आज, आप BJP अध्यक्ष से भी मिलने का टाइम मांग रहे थे, अब मतलब नाराज़गी भी थे कि आप बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर आप बात भी करने वाले थे। नहीं, मैं कई लोगों से मिला हूँ, नड्डा जी से मैं मिला हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुई, भूपेंद्र जी से बात हुई, कई लोगों से मेरी भेंट हुई है, मगर उन लोगों से मेरी भेंट केवल एक शिष्टाचार भेंट थी, कोई ऐसी बात कहने का ये समय भी नहीं है। नई सरकार बनी है, संसद बना है, हमारे नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो आगे कई चीज़ों को देखकर समझकर, ये समय हर चीज़ का समय होता है, इसलिए इस बार मैंने कोई ऐसी बात किसी के सामने नहीं उठाया है जो पहले मैं कई बार उठा चुका हूँ। सर, आप पहले कई बार उठा चुके हैं, इस बार तो ऐसा मसला आ गया जिसको लेकर झारखंड इस तरीके से, झारखंड की मतलब आप कह सकते हैं कि जो जगहसाई हो रही है कि झारखंड में इस तरह की घटना हो गई, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ गया, आपको भी तो, क्योंकि आप वो मंत्री हैं और आप बार बार इस तरह की बातें करते रहे हैं कि सरकार जो इकबाल से चलती है, पुलिस प्रशासन इकबाल से चलता है, इसमें कमियाँ आई हैं? सही कह, देखिए, ऐसी घटनाएँ होती हैं तो हमको तो स्वीकारना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर है, मगर एक सामूहिक प्रयास के द्वारा हमको इस कमी को दूर करना है, ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को एक मुद्दा बनाकर हम किसी के खिलाफ में उठाएं, ये सामूहिक विषय है। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरनी चाहिए, मैं तो हमेशा सलाह सुझाव भी देते रहता हूं और हम सभी का प्रयास होगा कि कानून व्यवस्था बेहतर हो। आखिर में एक सवाल, अब की बार 65 पार का नारा दिया है BJP ने, लेकिन आपके जैसे वरिष्ठ मंत्रियों को, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अनसुनी हो रही है, आप इस बात को कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह भी चुके हैं। देखिए, पार्टी है, पार्टी में तो सभी मिलकर चलते हैं, समय के हिसाब से किसी को ज़्यादा दायित्व तो मिलता है, किसी को कम मिलता है। अब जो विश्लेषण करने वाले वो मानते हैं किसी की अनसुनी की जा रही है, किसी को कम महत्व दिया जा रहा है, और हम सभी इस मुख्य धारा में अपनी अपनी स्पीड से चलते हैं, जो जिम्मेदारी मिलती है उसको निभाते हैं, इसलिए किसको कितनी जिम्मेदारी मिली ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात है कि एक सामूहिक दायित्व के नाते, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, हम इस काम को करें तो हम पूरा काम कर सकेंगे, बढ़िया से कर सकेंगे।